अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी. एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमने मान ली रिलेशन है पैरेलल टू, इज पैरेलल टू किस पे है, ऑन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन. देखो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वन आर है ना. अब ये बताओ क्या एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर होगा, इसका मतलब क्या कोई लाइन अपने आप के पैरल होगी? बिल्कुल होगी. एल इज पैरल टू एल, देयरफॉर एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्स. देखो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरल कब होगी, जब इसका डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर रहेगा. भाई दो लाइन तभी पैरल होती है जब उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे. अब ये लाइन है एक, इसका अपने आप से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा जीरो. तो ये रिलेशन, ये लाइन जो है वो अपने आप के तो पैरल होगी ना हमेशा, तो इसलिए क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी. अब देखते हैं इसमें सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक में क्या होता है, ये गिवन होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड चेक करना होता है क्या बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करेगा. देखो अगर यहाँ गिवन है एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एल वन इज पैरेलल टू एल टू. भाई एल वन लाइन जो है और ये एल टू लाइन जो है पैरेलल है. अब ये बताओ अगर एल वन और एल टू पैरेलल है तो क्या एल टू पैरेलल होगी एल वन के? पक्का होगी. इसका मतलब क्या हुआ, एल टू कॉमा एल वन बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक. यहाँ इट मतलब रिलेशन और रिलेशन क्या, पैरेलल लाइंस. अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव हम पढ़ के आए थे ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन होता है. और चेक क्या करना होता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ गिवन क्या होगा, एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर एंड एल टू कॉमा एल थ्री बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल वन एल टू आर को बिलोंग कर रहे हैं तो एल वन इज पैरेलल टू एल टू, एंड अगर एल टू एल थ्री बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या हुआ, एल टू इज पैरेलल टू एल थ्री. अब ये बताओ ये लाइन एल वन, ये लाइन एल टू पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन एल टू एल थ्री के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो एल वन एल थ्री पैरेलल होंगी. पक्का इम्प्लाइज करेगा एल वन इज पैरेलल टू एल थ्री. इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एल वन कॉमा एल थ्री बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस द रिलेशन आर, क्या थी रिलेशन आर, इज पैरेलल टू, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन.